हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे एलोवेरा जेल्स के बारे में जो आपको अंडर 100 मिलेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अंडर 100 मिलेंगे और सारी स्किन के लिए, हेयर के लिए काफ़ी अच्छे हैं, हेयर और स्किन को सूट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एलोवेरा जेल एक ऐसा जेल है, एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है। मैंने बहुत ही कम लोगों से सुना है कि उनको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, और जिनसे सुना है शायद वो सही एलोवेरा जेल यूज़ करते ही ना हो, ऐसा हो सकता है। और एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगता है। एक्ने पिंपल को दूर करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, दाग धब्बे दूर करता है, तो ये सारे काम एलोवेरा जेल करता है। बालों को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को कम करता है, हेयर फॉल को रोकता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो सारे एलोवेरा जेल्स हैं ये सारे ऑर्गेनिक नहीं हैं, कुछ हैं जिनमें केमिकल्स भी हैं, पर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इनमें यूज़ नहीं किया गया है और इजीली अवेलेबल हैं। ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिल जाएंगे। जो जेल्स हैं इनको आप एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, और तरह तरह के इसमें ऑयल्स मिला के, पैक्स में मिला के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरा फेवरेट पतंजलि एलोवेरा जेल, और इसमें कलर भी है, इसमें फ्रेग्रेंस भी है, पर ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है। यही एक रीज़न है कि मैंने काफ़ी दिनों तक इसको यूज़ किया, सिर्फ इसको ही यूज़ किया, और इससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तुरंत रिजल्ट नहीं मिले, पर धीरे धीरे इसको मैं कई तरीक़ों से यूज़ करती थी और मेरी स्किन पर ये सूट करता था। काफ़ी अफोर्डेबल है, आप इसको ले सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप ये इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। पतंजलि सौंदर्य चंदन केसर जेल, तो अगर आप चाहते हो कि आपको एलोवेरा के गुडनेस के साथ साथ चंदन और केसर की भी गुडनेस मिले, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, ये आपके पिंपल एक्ने को तो कम करेगा ही, साथ ही आपके दाग धब्बों को भी दूर करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और आपकी जो स्किन टोन है उसको भी इवन करेगा। है ये बोरो प्लस का एलोवेरा जेल जो कि 100% ऑर्गेनिक है। इसमें कोई भी पैराबेन, सल्फेट या मिनरल्स ऑयल्स यूज़ नहीं किए गए हैं, काफ़ी प्योर है, काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को, बॉडी को, हेयर को नरिश करता है और काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें एलोवेरा के साथ साथ विटामिन ई भी है जो कि बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। नेक्स्ट है बोरो प्लस का हल्दी चंदन एलोवेरा जेल, तो इसमें एलोवेरा तो है ही, साथ ही साथ आपको हल्दी और चंदन की गुडनेस मिल जाएगी। ये भी पैराबेन, सल्फेट और मिनरल ऑयल इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, ऑर्गेनिक है। ये स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, स्किन को हेल्दी बनाएगा। आप इसको स्किन पे, बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, पर आप इसको बालों पे यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लीवर आयुष का एलोवेरा कूलिंग फेस जेल, जैसे कि नाम से ही कूलिंग फेस जेल है, तो ये स्किन को बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत अच्छे से नरिश करता है, एक्ने पिंपल को भी काम डाउन करता है, तो ये सारे क्लेम ये प्रोडक्ट करता है। पर इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैराबेन वाले प्रोडक्ट यूज़ करने में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको नायका और अमेजन पर ठीक ठाक रिव्यूज़ इसके मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों की स्किन पर इसने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, और ये मिलके बना हुआ है एलोवेरा जेल से, और इसमें एक आयुर्वेदिक ऑयल का भी यूज़ किया गया है जो कि 18 हर्ब्स से मिलके बना हुआ है, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है और इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। जब VLCC का एलोवेरा सूदिंग जेल, तो ये आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से सूदिंग करता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें है। ये 90% एलोवेरा पल्प से मिलकर बना हुआ है, सारी साथ इसमें विटामिन ई भी है जो बहुत अच्छे से स्किन को हील करता है, मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को, पिगमेंटेशन को भी कम करता है। तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, ईजिली ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। कहीं भी मैंशन नहीं है कि ये पैराबेन, सल्फेट, मिनरल फ्री प्रोडक्ट है, तो अगर आपको ऐसा एलोवेरा जेल यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें पैराबेन्स हो, सल्फेट हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। है काया का एलोवेरा
जेल जो कि 99% प्योर एलोवेरा से मिलके बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें क्यूकम्बर जूस भी है और ग्लिसरीन भी है जो इसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाती हैं। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये 24 आवर्स आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा और सनबर्न की प्रॉब्लम को दूर करता है, स्किन इरिटेटेड है उसको भी दूर करता है, काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, एक्ने पिंपल है अगर आपकी स्किन पे उनको भी दूर करेगा, ग्लोइंग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा स्किन को। इस जेल की खास बात यह है कि ये नॉन स्टिक जेल है, आपको स्किन पे लगाने पर चिपचिप नहीं लगेगा, स्किन को ऑयली फ्री बनाएगा। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आई और कहा है कि प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। पैराबेन फ्री है और कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया गया है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। ये है इबा हलाल का एलोवेरा जेल जो कि काफ़ी प्योर है, पैराबेन सल्फेट फ्री है, अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा के साथ साथ इसमें क्यूकम्बर जूस भी यूज़ किया गया है जो कि इसकी गुडनेस को बढ़ाता है। ये एक ऑयल फ्री जेल है और आपकी स्किन को ऑयल फ्री बनाता भी है, स्किन से जो भी ब्लेमिशेस हैं, स्कार्स हैं, उन सारी चीज़ों को ट्रीट करता है, स्किन को हील भी करता है, स्किन से एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा। काफ़ी अफोर्डेबल है, आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, कोई भी इसमें हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं किए गए हैं। इस जेल की सबसे खास बात है मोहा का एलोवेरा जेल विद रोज़ एंड क्यूकम्बर। तो अगर आप चाहते हैं एलोवेरा जेल के साथ साथ आपको रोज़ और क्यूकम्बर की भी गुडनेस मिले तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सूदिंग जेल है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हील करेगी, हाइड्रेट करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, आप एक अच्छे मॉइस्चराइजर की जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ स्किन पर ही नहीं, आप इसको बॉडी और हेयर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो जेल है ये सनबर्न को दूर करता है, ब्लेमिशेस को दूर करता है, एक्ने पिंपल के कारण जो रेडनेस हो जाती है उसको दूर करता है, इरिटेटेड स्किन पर अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो उस पर भी बेनिफिशियल पड़ेगा, ये सारे क्लेम प्रोडक्ट करता है। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये पैराबेन सल्फेट मिनरल्स फ्री है, तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ऐसे जेल यूज़ करते हैं तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो और ये काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है एलोवेरा जेल का। हेल्प्स गुडनेस का एलोवेरा जेल, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, मतलब ये आपके पोर्स को क्लॉक नहीं करेगा, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं एक्ने पिंपल उनकी वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। काफ़ी अच्छा जेल है, इसमें एलोवेरा जेल के साथ साथ एप्पल एक्सट्रैक्ट है। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये ब्लेमिशेस को और पिगमेंटेशन को दूर करेगा, एक्ने पिंपल को दूर करेगा, स्किन को हील करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, साथ ही साथ बालों को भी हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ प्रॉब्लम को दूर करता है, इची स्कैल्प की प्रॉब्लम को ये जेल दूर करता है। ये जो प्रोडक्ट है बहुत छोटे से पैक में आता है, मतलब 29 ग्राम्स का ये पैक है और आपको सिर्फ ये पर्पल पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और काफ़ी अच्छा है। ये जेल भी क्लेम नहीं करता है कि ये पैराबेन सल्फेट फ्री है और ये सिर्फ आपको पर्पल पे ही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं।